Hello friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you all in our third English class, Improve Your English. Today, again we will learn one new advanced English word, plausible. Plausible. Plausible is an adjective. It has various meanings, but again, for the same concept, इसका मतलब है वो logic, वो excuse, वो बातें जो हमें सही लगे, जो हमें लगे कि सच में इट इज पॉसिबल, लिटरली ये कोई भी कर सकता है. जैसे कि इसको यूज में हम प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं, प्लॉजिबल सेल्समैन. अगर कोई लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन सही लगता है, किसी पर इम्पैक्ट डालता है, हम अपने बॉस को कुछ रीजन दे रहे हैं और वो उस बॉस को वो लग रहा है कि नहीं नहीं ये सही बोल रहा है, इस वजह से लेट हुआ होगा. दिस मीन्स डैट एक्सक्यूज और डैट एक्सप्लेनेशन इज प्लॉजिबल सेल्समैन. प्लॉजिबल इस सेंस में plausible salesman. अगर salesman जब हमें कोई बात कहते हैं कि this dress is very perfect for you, it looks wonderful on you, हमें उनकी बात में बहुत sincerity, honesty लगती है. भले वो सही नहीं भी होता है, sometimes we try the same dress at our home and we find it not so perfect. तो वो salesman ने ऐसा कहा कि हमें सही लगा, तो उस salesman के लिए या उस person के लिए जो हमें कहता है, हम उसकी बातों में आ जाते हैं, उस person को हम कहेंगे plausible person, plausible salesman, plausible friend or any plausible relative. Let's understand it with example sentences. First, when Ambus forgot to do his homework, he tried to come up with a plausible excuse his teacher would believe. जब अंबुज या किसी स्टूडेंट ने होमवर्क बनाना भूल गया, तो उसने सोचा कि मैं कुछ एक्सक्यूज दूँ. ऑब्वियसली उसे टीचर को कुछ एक्सक्यूज देना है, लेकिन वो एक्सक्यूज कैसा होना चाहिए? प्लॉजिबल, ताकि टीचर बिलीव करे. ऐसा ना कि टीचर को लग जाए कि इसने इंटेंशनली डेलिबरेटली होमवर्क नहीं करा, तो वो जो एक्सक्यूज था उसने प्लॉजिबल करने की कोशिश की ताकि टीचर को बिलीव हो सके. सेकेंड में आप देखो, द राइटर ऑफ द मूवी कंसल्टेड अ प्रोफेशनल एथलीट इन ऑर्डर टू मेक हिज स्पोर्ट्स फिल्म मोर प्लॉजिबल. एक फिल्म बन रही है स्पोर्ट्स पे, उसमें जो काम करने वाला पर्सन दैट इज एन एक्टर, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल एथलीट, पर वो उसमें काम करेगा, जो उसका रोल होगा वो प्रोफेशनल एथलीट का होगा. दैट्स वाई जो राइटर ऑफ द मूवी है उसने कंसल्ट करी प्रोफेशनल एथलीट से कि वो एक एक एक्टिविटी समझे कि क्या एक्टिविटी होती है एथलीट की, ताकि जो मूवी बने वो मोर प्लॉजिबल बने, लोगों को ज़्यादा सच्चाई दिखे उसमें. और प्लॉजिबल में एक और बात है कि प्लॉजिबल का हम सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री भी होता है. प्लॉजिबल को हम मोर प्लॉजिबल, मोस्ट प्लॉजिबल भी उसका फॉर्म में आता है. There are various naming words या nouns जो कि frequently use होते हैं plausible के साथ. Plausible argument कह सकते हैं, plausible excuse, plausible explanation, plausible interpretation, plausible reason, plausible scenario, plausible theory. पर again सबका एक ही meaning होगा कि जितने भी plausible argument, excuse, explanation, interpretation, reason, scenario, theory, ये सभी believable हो, सच्चाई के करीब हो. सिनोनिम्स हैं क्रेडिबल, रीजनेबल, बिलीवेबल, लाइकली, फिजिबल, एक्सेप्टेबल और अदर सिमिलर वर्ड्स, जिसका कि मतलब विश्वास करने लायक लगे, सच्चाई के नियर लगे, वो सारे वर्ड्स जो होंगे प्लॉजिबल के सिनोनिम्स हो सकते हैं. के एंटोनिम्स, इम्प्लॉजिबल जो सबसे बेसिक हुआ, अनलाइकली, इम्प्रोबेबल, अनरीजनेबल, इनफिजिबल, इनक्रेडिबल, अनएक्सेप्टेबल, अनबिलीवेबल, वो सारी बातें, वो सारे चीज़ जो हमें इम्प्रोबेबल लगता है, अनरीजनेबल लगता है, जिस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, जो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये चीज़ सच हो ही नहीं सकता, ये फेंक रहा है, तो वो सारी बातें इम्प्लॉजिबल हुई, अनलाइकली हुई, तो इसे हम एंटोनिम्स कहेंगे. नाउ इट कम्स टू नो द डिराइव्ड टर्म्स ऑफ प्लॉजिबल. प्लॉजिबल के डिराइव टर्म्स कैन बी मल्टीपल, पर हम यहाँ तीन पढ़ रहे हैं, प्लॉजिबली, प्लॉजिबिलिटी, प्लॉजिबलनेस. सबसे पहले प्लॉजिबली. Plausibly means in a plausible manner. जो हम बोल रहे हैं वो plausible manner में है, मतलब it seems कि हम सही कह रहे हैं. उसको sentence में use करके देखते हैं. She lied plausibly, but the police suspected her anyway. Means जब उसने police को statement दिया, तो उसने plausibly कहा, in a plausible manner कहा, ऐसा excuse दिया जो कि सच लग सकता था किसी other person को, लेकिन police since उनकी काम ही वैसा है, तो police was able to suspect her. Police फिर भी उसे catch कर लिया. Second derived term है plausibility, the quality of seeming reasonable or probable. जो चीज़ हमें reasonable लगे, probable लगे,
एग्जाम्पल में बी वेयर ऑफ द प्लॉजिबिलिटी ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन की जो बातें होती है, सेल्समैन जब कुछ डिस्क्राइब करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो वो बहुत प्लॉजिबल होता है, इसीलिए कहा गया कि बी वेयर ऑफ द प्लॉजिबिलिटी ऑफ सेल्समैन। ये प्लॉजिबिलिटी हम इस टर्म में भी यूज कर सकते हैं कि जब वेन हम टू फ्रेंड्स लेट हुए और वी टू हैव टू रिपोर्ट टू आवर टीचर और आवर मेंटर, और जब मैंने कोई एक्सक्यूज दिया, हम दोनों का कोई रीजन वैलिड नहीं था बट मैंने कुछ सोचकर एक्सक्यूज दिया, वो एक्सक्यूज प्लॉजिबल नहीं लगा बॉस को या हमारे मेंटर को, लेकिन मेरे फ्रेंड ने दिया, इट सीम्ड प्लॉजिबल। तो और हमेशा उसका प्लॉजिबल होता है, तो आई कैन से कि बी वेयर ऑफ द प्लॉजिबिलिटी ऑफ स्नेहा ए बी सी डी एनी पर्सन। सेकेंड, हिज एक्सक्यूजेज ऑलवेज फॉल ऑन और नियर द लाइन ऑफ प्लॉजिबिलिटी। हिज एक्सक्यूजेज हो, आर्ग्यूमेंट हो, डिबेट टॉपिक हो, हम कोई भी वर्ड यहाँ रख सकते हैं कि उसके जो ये पॉइंट होते हैं, ये एक्सक्यूजेज होते हैं, वो हमेशा प्लॉजिबिलिटी के लाइन को क्रॉस नहीं करती है, उसके नियर और प्लॉजिबिलिटी पे ही होती है। इसका मतलब जब वो कुछ कहता है तो ऐसा लगता है नहीं, ये दिस इज प्लॉजिबल, ऐसा हो सकता है, सच में बस खराब हो गई, हो सकती है, आजकल हो रही है, उसने कुछ फोटो दिखा दिया, देखो बस ये खराब था, मतलब सी सोड सम प्रूफ्स एंड ऑल जो भी करा, लेकिन इट वॉज, इट डिड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ प्लॉजिबिलिटी, इट वॉज नियर और ऑन द लाइन ऑफ प्लॉजिबिलिटी। डिराइव टर्म है प्लॉजिबलनेस। प्लॉजिबलनेस मीन्स सीमिंगली और अपेरेंटली वैल्यू। एग्जाम्पल में देर वॉज ए सर्टेन प्लॉजिबलनेस इन हिज रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन, एक्सक्यूज, स्टोरी, मूवी, स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट, समथिंग वी कैन ऐड ऑल्सो। देर वॉज ए सर्टेन प्लॉजिबलनेस, हमने कुछ रीजनिंग उसकी सुनी, उसकी इंटरप्रिटेशन सुनी, उसकी एक्सक्यूज सुनी, स्टोरी पर ही मूवी देखी और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आए कि देर वॉज अ सर्टेन प्लॉजिबलनेस, वो जो दिखाया गया वो हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, लिटरली ये कोई भी कर सकता है, ऐसा हमें लगता है जब स्पेशली मूवी देख करके हमें लगता है नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा फाइटिंग कोई रियल मैन भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवी में होता है, इट इज़ नॉट जस्ट द रियल लाइफ, इट कैन हैपन इन आवर रियल लाइफ। तो हम कह सकते हैं देयर वॉज अ सर्टेन प्लॉजिबलनेस। तो आई होप कि प्लॉजिबल के तीनों ड्राइवर क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू रियली रियली लाइक दिस देन प्लीज लाइक, comment on it and subscribe for more videos.